तो यहाँ पे आती हुई पिल्लर के साथ। ओ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम आए निया के साथ। इसी साथ आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को करो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो फिलहाल यहाँ पे जनरेट दिखाई नहीं दे रहा और ये जा रही है फैन बीन फैनमिन। ऐसे मुझे फैनमिन ही लग रही है। तो नीचे एचएस देखता तो हम पहले पहुँचता है और लेता है यहाँ से लूट। तो हम पहले पहुँचे हैं, अब देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या लूट मिलती है। तो फैनमिन भी देखना चाहती है तो मुझे फैनमिन ही लग रही है ये, क्या पता आगे कौन है ये। तो हमें लूट में मिली ये मेडिकिट फर्स्ट एड। तो चलो चलते हैं और जनरेटर को रिपेयर करते हैं। तो फिलहाल जब बता देते हैं मैं कौन से पर्क लाया हूँ। सबसे ऊपर है बैलेंस लैंडिंग। तो इसमें होता है जैसे हम किसी ऊपर ऊंची जगह से जंप मारते हैं तो हमारी जो रनिंग स्पीड होती है वो 150% बढ़ जाती है नॉर्मल स्पीड से 3 सेकेंड के लिए। तो उससे नीचे राइट साइड वो है किंड्रेड, उसमें जब उख पे टक जाए तो जो सर्वाइवर होते हैं वो एक दूसरे का ओरा और यदि किलर कैंप कर रहा है तो उसका ओरा भी दिखाई दे जाता है, किलर का ओरा भी दिखाई दे जाता है। और उससे राइट लेफ्ट साइड जो पर्क है वो है इनर स्ट्रेंथ। तो उसमें होता कि हमें टोटम तोड़ कर इनर स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करना पड़ता है। जब एक्टिवेट हो जाती है तो हम लोकल में जाकर इंजर्ड टू हील स्टेट, मतलब हील हो सकते हैं पूरी तरह से इस पर्क की मदद से। नीचे है R1 एक्सपेंशन। उसमें होता है कि जब हम क्राउच हो तो हमारी मूवमेंट स्पीड वो 90-100% बढ़ जाती है। तो यहाँ पे किलर पड़ चुका है हमारे पीछे और किलर है हिल वेली। बट किलर हमारा पीछे छोड़ने वालों में से बिल्कुल भी नहीं करे। पहले भी गिरा दूँ, नहीं छोड़ता हूँ, बल्द मैं काम आ जाएगा जब तक तो ज़रा जरूरत ना पड़े पैलेट की। बच गया, बचा नहीं, पड़ा मुझे लगा बच जाऊंगा पर पड़ गई। पैलेट गिराना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना पड़ेगा किलर से। तो आई थिंक किलर ने अब हमारा पीछा छोड़ दिया पूरी तरह से। तो यहाँ पे हम हील हो लेते हैं। मेरे पास मेरी किट है जो मैंने बेसमेंट से उठाई थी। और यहाँ मैं पूरी तरह हील हो चुका हूँ। तो अब चलते हैं जनरेटरों पर। तो इस तरफ कोई जनरेटर नहीं है। अभी 3 जनरेटर बचे हैं रिपेयर करने के लिए। फिलहाल अभी तक मैंने एक भी जनरेटर रिपेयर बिल्कुल भी नहीं किया है। तो यहाँ पे जनरेटर ही ढूंढ रहा हूँ मैं, क्या इन दिख जाता है तो रिपेयर किया जाए। भाई जनरेटर कहाँ पे गए, कोई दिख ही नहीं रहा जनरेटर। ये रहा जनरेटर और लोडेट भी यहीं पे है। तो अब जल्दी से जनरेटर ऑलमोस्ट रिपेयर होने ही वाला है। बट किलर कहीं ऊंची वाली जगह पे जंप मारने वाला है, मार दिया जंप, तो इस तरफ ही आने वाला है। देखना पड़ेगा यदि मेरे पीछे आ रहा है। ये यार काफ़ी पावरफुल वेपन है इसके पास चेन शॉक, इसकी रेंज में आया तो बचना इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है मुझे बहुत अच्छा लूप मिला है। तो इस लूप में जितना मर्जी हो सके उतना मर्जी पे किलर आ जाओ। और यहाँ पे एक और जनरेटर रिपेयर होता हुआ, अरे विंडो भी ब्लॉक होती हुई। तो विंडोज ब्लॉक हो चुकी है तो आगे चलते हैं।
किलर फिर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, तो प्रोजेक्ट निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो किलर तेरे पीछे पड़ने वाला है। अरे अंदर नहीं आ, अरे नहीं क्लोडेट ये पीछे पड़ चुका है अब किलर, इसे नॉक किए बिना तो रहने वाला है नहीं। तो जाकर देखता हूँ कहाँ पे गए सभी। तो यहाँ पे जनरेटर था आई थिंक, वो ही वाला रिपेयर हुआ है जो मैंने छोड़ा था, और वहां पे नॉक हो चुकी है क्लोडेट। यहाँ पे जनरेटर दिख नहीं रहे मुझे, यहाँ पे भी नहीं, तो अभी दो जनरेटर रिपेयर करने हैं। और यहाँ पे टर्न दिया है हिलविली ने क्लोडेट को, और यहाँ पे साथ में आई थिंक फैनमिन ही है, और जो नहीं है वो दूसरी साइड है आई थिंक, वो जनरेटर रिपेयर करने में लगी है शायद। तो यहाँ पे हमें उतारने नहीं जा रही है वो, तो हमें ही चलना पड़ेगा उतारने, किलर ना देखे बस। उतारो उतारो अब तो टाइम है, उतार लो और फ्री में ही लेना पड़ेगा ताकि यहाँ से क्लोडेट निकल सके। तो किलर भी उसके पीछे जा चुका है, पहले तो मैं हील होता हूँ, थोड़े सा बचा है मेरे पास मैड किट। तो यहाँ पे आती हुई किलर भी साथ, ओ क्या हुआ, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मेरा फॉल्ट नहीं है ये, वो मुझे हील करने आई थी और अचानक से किलर हील भी ली, कहीं से आ चुका और कर दिया नॉक। टारगेट मैं था बट निया बनी उसका टारगेट। यहीं पे हो रहा है जनरेटर रिपेयर, और यहाँ पे हम मदद के लिए बोलते हैं फैनमिन को। हाँ फैनमिन ही है ये, तो थोड़ा सा हील हुआ हूँ, थोड़ा सा और हील होना है हमें। तो यहाँ पे हम पूरी तरह से हील हो चुके हैं, तो चलो छुड़ाने चलते हैं। हमें क्लोडेट भी वहीं पे उतार लिया, किलर पड़ा है क्लोडेट के पीछे, और मैं यहाँ पर देखता हूँ क्या हो पाता है। नहीं किलर, नहीं उसे आई थिंक क्लोडेट ने उसे चकमा दे दिया और उसने मुझे देख लिया किलर ने। और यहाँ पे मेरा नंबर लगने वाला है, किलर पूरी तरह से हमारे पीछे। तो यहाँ पे बारी है अपने बैलेंस लैंडिंग पर्क की, और यहाँ पे हमारी स्पीड 50% नॉर्मल स्पीड पे बढ़ चुकी है, बट किलर भी हमारे पीछे आ रहा है। नहीं नहीं बड़ा पास आ चुका है, नहीं 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 यार काफ़ी क्लोज चला गया हमारे से। और यहाँ पे मैं अब देख रहा हूँ, ओ नहीं यार अब पैलेट पहुँचने वाला हूँ, यार पैलेट के पैर पहुँच चुका, थोड़ा सा रहा था, डेड हार्ड होता तो शायद बच पाता। तो चलो हुक पे टंगते हैं, और एक ही जनरेटर बचा है वो, तो थोड़ी ही देर में हो जाएगा। तो उस तरफ दो बंदे लगे हैं जनरेटर रिपेयर करने, तो दूसरी तरफ भी एक, मुझे समझ नहीं आ रहा है अलग अलग जनरेटर क्यों रिपेयर कर रहे हैं, मतलब एक जनरेटर हो जाता ना यदि एक पे लगे होते तो। किलर जा रहा है, कैंप नहीं कर रहा है, अच्छी बात है। और यहाँ पे आते हुए दो सर्वर्स मेरी तरफ मदद के लिए, क्या ये टाइम पे पहुँच पाएंगे हमारी दूसरे टाइम स्टेट पे पहुँचने से पहले। एक इंजर्ड है वो है निया इंजर्ड है, काफ़ी क्लोज है हमारे,
तो यहाँ पे हमें निया ने उतार लिया, तो हील होने के लिए मैंने इसे बोला, तो ये बोल रहे कहीं छुप कर हील होते हैं। अरे लोकेशन अच्छी लग रही है हील होने के लिए, तो पहले मैं इसे हील कर देता हूँ। तो हमने पूरी तरह हील कर दिया, अब हमारी बारी हील होने की। कर दे पूरा हील करो यार। और यहाँ पे एसिड जनरेटर सारे रिपेयर हो चुके हैं और एसिड गेट ओपन हो चुका है। अब हमें जाना है एसिड गेट की ओर। तो यहाँ पे एसिड गेट है तो मुझे लगा काफी पास हमारे, तो यहीं पे देखा जाए और ओपन किया जाए। यहाँ पे किलर हिल विली है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो पहले इसे जाने देते हैं, अब एग्जिट गेट को ओपन करते हैं। और दूसरे वाला एग्जिट गेट ओपन हो चुका है और ये वाला भी ओपन करना है अभी, यदि हो पाता तो इसे ओपन कर लिया जाए। और हिल विली आ चुका है यहाँ पे। क्लोडेट मुझे लगे दूसरे वाले गेट में से जा चुकी है, मतलब जाने वाली है, बट ये यहाँ पे क्या कर रही है नो आइडिया। बट किलर इससे ज़्यादा मैं किल विली का कन्फ्यूज हो रहा हूँ, मतलब कर क्या रहे हिल विली। और यहाँ पे क्लोडेट कर किलर आ रहा है, भागो। क्लोडेट भाग रही है, किलर उसका पीछे जाने वाला है। तो यहाँ पे छुपते हैं और ये वाला एग्जिट गेट भी ओपन करते हैं। और यहाँ पे क्लोडेट भी आ चुकी है, तो चलो चलते हैं यहाँ से। और इसी साथ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।